गोंडा थाना के नगर की देहात पुलिस और सर्विलेंस टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के बाद चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया है। कई घटनाओं का खुलासा हुआ और कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो, एक अपाचे मोटरसाइकिल सहित लूटे हुए दो मोबाइल फोन, 25,500 रुपए नगद और अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया। देर रात थाना कोतवाली नगर पुलिस, देहात पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में कटहा घाट रोड के पास पुलिस मुठभेड़ के उपरांत चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक बदमाश अभिनव उर्फ रौनक सिंह। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। इन चारों बदमाशों के कब्जे से लूटे हुए दो मोबाइल फोन, 25,500 रुपये नगद, अवैध तमंचा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त इन घटनाओं में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो कार, जिसके नंबर प्लेट को छेड़छाड़ किया गया है इनके द्वारा, तथा एक अपाचे मोटरसाइकिल इनके कब्जे से बरामद हुई है। इन चारों अभियुक्तों में से